तो क्या ये मुमकिन है कि ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, एक ऑपरेट के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या दो ऑपरेशन के? तो बिल्कुल 2 साल के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, मगर उसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंट। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल आज आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेट हो गया है, पहला ऑपरेट हमारा डॉक्टर ने ऐसे ही कर दिया, कोई इंडिकेशन नहीं थी, अब हम चाहते हैं कि हम नॉर्मल का ट्रायल लें, तो क्या ये मुमकिन है कि ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, एक ऑपरेट के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या दो ऑपरेशंस के बगैर के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? तो इन सारी बातों के जवाब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपका ऑपरेट किस वजह से हुआ है, बच्चे की वजह से हुआ है या माँ की वजह से हुआ है, यानी बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस था या बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो रही थी इस वजह से ऑपरेशन करना पड़ा, या माँ की कोई इंडिकेशन थी जैसे कि ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल था, शुगर अनकंट्रोल थी, थायराइड डिसऑर्डर था, या इसके अलावा कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, यानी आवल नीचे थी, आवल नीचे है, यानी आवल नीचे होने का कुछ डिग्रीज हैं, यानी grade 1, grade 2 और grade 3। आवल नीचे होने का मतलब है कि आवल यूट्रस के मुंह को कवर कर रही है, अगर वो कम्प्लीटली कवर नहीं कर रही तो फिर इसमें डिलीवरी पॉसिबल हो सकती है। हाँ, अगर grade 4 type 4 प्लेसेंटा प्रीविया है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है। ऐसी कोई रीज़न ज़रूरी नहीं है कि अगली दफ़ा भी हो, और सबसे बड़ी बात है कि आपका प्रेगनेंसी इंटरवल कम अज़ कम 2 years का होना चाहिए, मतलब एक बच्चे और दूसरे बच्चे के दरमियान वक्फा 2 साल का होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और उसके बाद अगर ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है, यानी बच्चा उल्टा था, बीच बच्चा नॉर्मली डिलीवर नहीं होता क्योंकि उसमें उसकी टांग या उसके सर के फंस जाने की वजह से हम ब्रीच को नॉर्मली डिलीवर नहीं करते, ये तमाम वजूहात ऐसी नहीं हैं कि ये दोबारा से हो सके, यानी अगली दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर या आपकी शुगर या आपका कोई भी मेडिकल डिसऑर्डर हो जो कि कंट्रोल ना हो रहा हो, या बच्चे की पोजीशन उल्टी हो, अगर ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है तो बिल्कुल 2 साल के बाद आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं, मगर उसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों का ही बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। यानी पहली दफ़ा तो हम पेशेंट को 40 वीक्स देते हैं, जो हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं वो 40 हफ्ते होती है, उसके बाद हम दर्दे लगवाते हैं गोली रख के, मेडिसिन दे के इंजेक्शन फॉर्म में, और प्रोग्रेस होती है। लेकिन अगर एक दफ़ा ऑपरेट हो जाए तो फिर हम 40 हफ्ते इंतज़ार तो कर सकते हैं, मगर दवाइयों का सहारा बहुत ज़्यादा नहीं ले सकते। इसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों की ही एफर्ट शामिल है। पेशेंट के हवाले से मैं ये कहूँगी कि पेशेंट को कम से कम अपना गैप मेंटेन रखना चाहिए 2 ईयर्स का, अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, अपने मसल स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए कि वो अपनी एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को अच्छा रखें। और डॉक्टर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो वेट करें और ड्यू डेट तक पेशेंट के साथ रहें। इसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो होती है वो ये होती है कि बच्चेदानी का रप्चर हो जाना, यानी बच्चेदानी जो पहला ऑपरेट किया होता है वहाँ से बच्चेदानी का जो ऑपरेशन है वो फटने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं रख सकते। और कुछ पेशेंट ये भी पूछते हैं कि क्या डॉक्टर साहबा 2 ऑपरेशन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन है? तो मैं उन्हें कहूँगी कि देखें, हमारे मुल्क में बहुत सारी सहूलतें मौजूद हैं, मगर हम 1-to-1 मॉनिटरिंग नहीं कर पाते, हम उतना ज़्यादा बेबी को असेस नहीं करते, और दूसरा जब यूट्रस के ऊपर 2 दफ़ा स्कार हो जाता है, 2 दफ़ा ऑपरेट हो जाता है, तो बच्चेदानी बहुत कमज़ोर हो जाती है, वहाँ से रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए यूजुअली मैं पेशेंट को ये मैसेज देना चाहूँगी कि 2 ऑपरेट के बाद वो कोशिश ना करें कि नॉर्मल डिलीवर हो सके। हाँ, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें,
और मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको तमाम ऐसे अपने सवालात के जवाबात मिल सकें। शुक्रिया।